दिन लगाए मुझे ये फिल्म देखने के लिए, मतलब हर मिनट पे चूतियापंती, अनवांटेड और कॉपीराइटेड म्यूजिक और इरिटेटिंग सीन, इतना ही नहीं तो जबरदस्ती का कॉमेडी और पथेटिक कंसेप्ट, लेकिन अमेजिंग कास्ट। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है, जहां पे मैं के आपका होस्ट और ये रहे मेरे गोस्ट, बात करेंगे इस फिल्म के बारे में। तो बिना आपका वक्त बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज मैं बात कर रहा हूँ 2021 में नेटफ्लिक्स पे आया हुआ मीनाक्षी सुंदरेश्वर फिल्म के बारे में। नहीं, इसमें कास्ट और फिल्म की गलती बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जो पूरे फिल्म का क्वालिटी है, सिनेमेटोग्राफी है, ज्वेलरी है, कॉस्ट्यूम से A1 है, मतलब भरपूर पैसा डाल के बनाया गया है, लेकिन ये फिल्म टोटल डिजास्टर है। दो लोगों की योगा योग गलती से अरेंज मैरिज के कारण मुलाकात होती है और भगवान की जोड़ी कहकर शादी हो जाती है। बनाई गई जोड़ी को स्वीकार न करना अनर्थ होगा, लड़का अच्छा है। और पहले ही रात हल्दी वाला दूध पी के अपना काम शुरू करने ही वाले होते हैं कि वहीं पे भाई साहब को एक ईमेल आता है कि क्या हुआ? वो कल सुबह एक जॉब इंटरव्यू है, उसी का मेल आया है। अबे कौन सा येड़ा रात के 11 बजे ऑफिस के एचआर टीम में बैठ के लोगों को ईमेल कर रहा है, कम से कम 24 घंटे का समय देना चाहिए इंटरव्यू के लिए। अब बराबर है, अभी ये क्रिएटर्स वालों ने कभी अपनी जिंदगी में इंटरव्यू दिया हो तो पता होगा ना, चलो ये भी झेल लिया। बस 2 दिन पहले मेरी शादी हुई, शादी के अगले दिन मेरे वाइफ को आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिला, पढ़ते ही 6 AM बैंगलोर एक्सप्रेस पकड़ के आ गया। लेकिन ज्वाइन करते ही 2 मिनट में पता चलता है कि कंपनी सिर्फ बैचलर्स लोगों को ही हायर करती है। साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी सिर्फ सिंगल मैन और वुमेन को प्रेफर करती है, क्योंकि ऐसा मैं प्रेफर करता हूं। वाह, अबे ऐसे कंपनी का पता जरा मुझे भी बताओ। मतलब मानता हूं मैं, शादी होने से पहले उसने इस जॉब को अप्लाई किया था, लेकिन कौन सी कंपनी आपके मैरिटल स्टेटस को पूछती है? चलो कुछ कुछ कंपनी ये भी स्टंट करती होगी, क्योंकि ऐसा कोई फिक्स लॉ तो है नहीं कि आप पूछ सकते हो नहीं पूछ सकते हो, लेकिन कौन सी कंपनी इतना वेला बैठा है या इतने फोकट के पैसे डाल रहा है कि सीधा जॉब ऑफर लेटर देता है, बिना कोई क्लॉज डिस्कस किए हायर कर रहा है? मतलब बैग उठाओ, अंगान पे तिला के आ जाओ। अबे चूतियों, गूगल वाले भी ऐसे नहीं कर सकते हैं। कोडिंग के लिए नहीं तो ट्रक लोडिंग के काम के लिए इसको बुलाया गया है, ऐसे लगता है। चलो दिल के ऊपर पत्थर रख के ये भी झेल लिया। और हमारे दिमाग को इतना टॉर्चर करने के बावजूद भी इस करण का दिल नहीं भरा, जो अभी हमें इन टुच्चे से फोनोमैंस दिखा के हमारे सहन शक्ति का परीक्षा ले रहा है। छोड़ दो मुझे, जाने दो, बचाओ, कोई पुलिस को बुलाओ, कोई पुलिस को बुलाओ, कोई पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, पुलिस। और दारू की बोतल अफोर्ड नहीं होती तो एक घटिया सा तरीका बता रहा है। Hold it. Right down. Sit. Shit. दारू को देख। अच्छा जाओ, इतना दिमाग खाओ और इलॉजिकल फिल्म देखने का किसी का मन होना तो ऑन करके देख सकते हैं। फिल्म बस ऐसे लग रहा था कि सारे अमीर लोगों ने पैसे डाल के इस फिल्म को बना दिया है, साजिक लॉजिक का तो किसी को कुछ पड़ी नहीं और जरूरत ही नहीं समझे, और 2 स्टेट्स और 3 एडियट्स को मिक्स करके फिल्म बना दिया। इस फिल्म का मुद्दा यही होता है कि जॉब मिलने पर ये मदुरई से बैंगलोर चले जाता है, तो क्या इन दोनों की जोड़ी बनी रहेगी या फिर ये 500 किलोमीटर की दूरी इन दोनों को एक दूसरे से दूर करेगी। ऐसे घिसे पीटे टॉपिक पे गए सलमान के पिता जब उनके माँ के पेट में थे, या फिर ऋषि कपूर जब उनके माँ के पेट में थे, तब से चले आ रही है, तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आती। और बात रही एक्टिंग की, तो जैसे उन्हें बोला गया वैसे उन लोगों ने बहुत ही अच्छे से एक्टिंग की है, लेकिन कई बार एक्टिंग फेक लगती है और फीकी पड़ जाती है। मर्द को दर्द नहीं होता, भाग्यश्री का लड़का जो इस फिल्म में एक डिसेंट सोबर बॉय बनने की जो एक्टिंग की है उसके लिए तालियां बजाओगे, लेकिन ये बबीता आपको पगलट करके छोड़ेगी। रेटिंग की बात करो तो इंडिपेंडेंट नेटफ्लिक्स प्रोडक्शन है, तो इसे रेट किया है TV-14 यानी कि PG-13 जैसे ही समझ लो। 12-13 साल के नीचे बच्चे अकेले से इस फिल्म को बिल्कुल भी ना देखे, पैरेंटल गाइडेंस मस्ट है। एक आध दो सीन्स होंगे जहां पे थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो सकता है, तो थोड़ा सावधानी रखना जरूरी है, लेकिन टोटल फैमिली फिल्म है, फैमिली इकट्ठे साथ में बैठ के कंफर्टेबल कॉन्फिडेंटली इस फिल्म को देख सकती है। ये फिल्म फिलहाल के लिए हिंदी के अलावा और कौन सा लैंग्वेज में अवेलेबल है ये आपकी स्क्रीन पे तो आ ही रहा है, और ये फिल्म विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंडली फिल्म भी है। बाकी अगर आपको एक टिपिकल ड्रामा 2 घंटे 21 मिनट का फिल्म देखना है तो ये देख सकते हो, लेकिन
मैं बिल्कुल भी ये फिल्म रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पर्सनली ये फिल्म बहुत ही बोर हुआ। लेकिन हर एक इंसान अलग होता है। अगर आपको ऐसी घिसी पीटी फैमिली ड्रामा पसंद आती है जिसमें कोई बेस नहीं होता और थोड़ा फैमिली एक्टिंग और बीच बीच में एज यूजुअल कॉमेडी और नॉनसेंस एपिक मोमेंट्स, ऐसा नहीं होता इंडिया में। इतना खाली और साफ नहीं है इंडिया। बस और ट्रेन में किसका पसीना किसके साथ किसके घर जा रहा है ये खुद पसीने को ही पता नहीं होता। ऐसा सब कुछ दिखावा करने वाले और भर भर के कलर ग्रेडिंग किए हुए फिल्म अगर आपको पसंद आते हैं तो ये फिल्म आपने 100% देखना चाहिए। तो अगर आपने जाकर ये फिल्म देखा तो आपको ये फिल्म कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और मैं आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप आपके कीमती समय में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर मेरा ये छोटा सा व्लॉग देखते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको मेरा व्लॉग कंटेंट चैनल पसंद आए तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब होने का घंटे आइकन दबाने का तुरंत वो ऑल बटन दबाने का ताकि मेरे जब भी नए नए व्लॉग्स आएंगे तभी आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या फिर मेरे दूसरे व्लॉग्स भी देखना चाहते हो तो ऊपर आए बटन पर या फिर एंड स्क्रीन में उसके लिंक्स आ रहे हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे व्लॉग पे। टिल देन टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को परेशान करने का नहीं, बाजाले को बेवजह छेड़ने का नहीं, अनसब्सक्राइब किए बिना जाने का नहीं। क्या बाय बाय।